आई थिंक ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती हैं, तो इस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो हमें काफ़ी डिसएडवांटेज देती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो वीज़ा पॉलिसी है उसको नरम होना चाहिए, ताकि जो है स्टूडेंट बेहतर रोज़गार के लिए और बेहतर फ्यूचर के लिए बाहर जा सकें और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट मुल्क से बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन अब ये पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। स्टूडेंट्स की फेवरेट डेस्टिनेशन बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी सख्त कर दी है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके बाद क्या आपके पास कोई और ऑप्शंस हैं? बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में हुकूमतों का कहना है वहाँ बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने इमिग्रेशन के रूल्स सख्त किए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट वीज़ा मिलना पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बहुत से स्टूडेंट्स की तरह मोहम्मद अरशद खान पढ़ाई के लिए बरतानिया आना चाहते थे और साथ अपनी फैमिली को भी लाना चाहते थे, लेकिन वो जिस तरह की डिग्री करना चाहते हैं उसकी वीज़ा पॉलिसी में अब फैमिली को साथ लाने की इजाज़त नहीं है। मैं यूके स्टडी के लिए जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की डिग्री हासिल करना चाहता हूँ। यूके ने जो अभी पॉलिसी चेंज की है वो स्टूडेंट के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हुई हैं, क्योंकि पहले जो पॉलिसी थी कि जो स्टूडेंट अपने स्पोज को भी साथ लेकर जा सकते थे, यूके ने पॉलिसी में नरमी की, तो मैं अपने बच्चों को साथ ले जाऊँगा। चूँकि अगर मैं अपनी डिग्री वहाँ पे करना हासिल करना चाहता हूँ, वहाँ पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरे मैं आगे ये भी चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी वहाँ पे पढ़ें। पहले तो ये था कि स्पोज साथ जा सकते थे, स्पोज भी काम करते थे और स्टूडेंट भी काम करते थे वहाँ पे, और इस तरह उनके एक्सपेंसिव चार्जेस, उनके यूनिवर्सिटी की फीसिस उनमें काफ़ी आसानी पैदा हो जाती थी। लेकिन अब चूँकि जब से रिस्ट्रिक्शन लगी हैं, अब स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो गया वहाँ पर स्टडी हासिल करना। सब स्टूडेंट्स के हालात मुख्तलिफ होते हैं, सबके एम्बिशंस मुख्तलिफ होते हैं। नए रूल्स क्या हैं और इससे आपकी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? यूके में जनवरी 2024 से जिन स्टूडेंट्स का दाखला किसी पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम में नहीं है, वो अपने डिपेंडेंट जिनमें शौहर और बीवी बच्चे शामिल हैं उनको अपने साथ नहीं ला सकेंगे। इस वक्त कोर्स मुकम्मल करने के बाद आप 2 साल के वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता हुकूमत ये वीज़ा हाई ग्रेड्स वाले स्टूडेंट्स को ही देने पर गौर कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसी ही तब्दीलियां की हैं। टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़े के लिए उम्र की हद 50 से 35 साल कर दी गई है। ग्रेजुएट वीज़े के लिए अंग्रेज़ी महारत का स्कोर 6 से बढ़ाकर 6.5 और स्टूडेंट वीज़े के लिए 5.5 से 6 पॉइंट्स कर दिया गया है। सेविंग की हद $24,505 कर दी गई है। एप्लीकेशन की जांच पड़ताल भी ज़्यादा सख्त कर दी गई है। और उन मुल्कों में जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ज़िंदगी पहले ही मुश्किल है, वहां नए रूल्स उनकी परेशानी और बढ़ा देंगे। देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में स्टूडेंट्स के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स की जो यहाँ पर लाइफ है वो सिमिलर ही है, क्योंकि उनको अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी घर की चीज़ें और अपनी जॉब को मैनेज करना पड़ता है, जिसकी वजह से सब स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है। और एजुकेशन को आपने 100% देना होता है और जॉब को जो है आपने साथ पार्ट टाइम जॉब्स करनी होती हैं। इवन आपको नहीं पता कि आपको जॉब किस टाइम है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नाइट शिफ्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मॉर्निंग के शिफ्ट करते हैं, तो इसलिए उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना। एजुकेशन एक्सपेंसिव है, रहना महंगा है, खाने पीने की भी के लिहाज से भी देखा जाए तो महंगी हैं चीज़ें। एक चीज़ जो थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, वो ये है कि हर साल जो है न्यू पॉलिसीज़ आती हैं इमिग्रेशन को लेके, जो कि हर स्टूडेंट के लिए चैलेंज होता है। और कोई एक दो नहीं, हज़ारों स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले साल 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी पढ़ाई करने के लिए मुल्क से बाहर गए। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की सबसे पसंदीदा मंजिल बरतानिया है, जहां पिछले साल 23,000 को स्टडी वीज़ा मिला। ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में बहुत मकबूल है और 2023 में 22,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया का रुख किया। अमेरिका, जो एक वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की अव्वलीन पसंद होती थी, वहाँ अब हर साल सिर्फ 10,000 पाकिस्तानियों को स्टडी वीज़ा मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपनी वीज़ा पॉलिसी में तब्दीलियाँ की हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अब हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स दौरान तालीम अपनी स्पाउस को नहीं बुला सकेंगे और उन्हें वहाँ काम की गर्ज से स्किल्स ऑन डिमांड और स्पेशलिस्ट स्किल्स वीज़ा की ज़रूरत होगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ की भारी फीस देनी पड़ती है, जिससे इन मुल्कों की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है।
लेकिन क्या इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट वीज़े को मुश्किल बनाने का कोई फ़ायदा है? हमने यूके के एक एक्सपर्ट से यही समझने की कोशिश की। जो तब्दीलियाँ ला रहे हैं कवानीन में, तो अब ये इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि जो मुतवसत तबके के स्टूडेंट हैं वो ना आ सकें, सिर्फ अमीर स्टूडेंट आ सकें। और ये भी है कि अब ख़ानदान नहीं आ सकेगा, जब मैच्योर स्टूडेंट्स होते हैं, ख़ासतौर पर जो मास्टर्स लेवल के होते हैं या पोस्ट डॉक्स होते हैं, उनके ख़ानदान नहीं आ सकेगा तो वो लोग भी नहीं आएंगे, वो रिसर्चर भी नहीं आएंगे, वो पढ़ने वाले नहीं आएंगे। वो पढ़ने वाले नहीं आएंगे तो उनकी बुनियाद पर जो उनकी जो अपनी फ़ीस आती थी नंबर वन, और जो उनकी रिसर्च के हवाले से यूनिवर्सिटियाँ फंडिंग लेती हैं मुख्तलिफ फंडिंग बॉडीज़ से, तो वो फंडिंग मज़ीद कम होगी। तो इस किस्म के मेजर से जो है वो अपने वोटर बेस को तो ये मुतमईन कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इनके सिस्टम पे कोई ऐसा सिस्टम को उनके नुकसान ही होगा। ओके, तो जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो शायद थोड़ा घबरा जाएं कि सभी जगह सख्तियाँ हो रही हैं और अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यूके के बाद अब मैंने देखा है कि यूरोप लोग ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी में आपको मसला है तो दूसरे में आप एडमिशन ले सकते हैं। यूके में जैसे है वो अप टू 30% स्कॉलरशिप मिल जाती है यूनिवर्सिटी की, और वो बहुत मुश्किल से मिलती है। यूरोप में है कि मैक्सिमम कंट्रीज़ वो आपको 50% स्कॉलरशिप देती है। फिनलैंड और स्वीडन सबसे एक्सेप्टेंस रेट जो वीज़ा का है वो सबसे ज़्यादा है। जर्मनी और इटली का वो ले मिसाल है तो वहाँ पे 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल। अच्छी बात जो यूरोप की है, उधर आपको अगर आइल्स नहीं है तो आप पीटी दे सकते हैं, डिलिंगो दे सकते हैं। वहाँ पे अक्सर इंटरव्यूज़ होती नहीं है जो एजुकेशन से रिलेटेड, और इंटरव्यू जो भी होता है वो ईजी होता है। इसके बाद आप जापान जा सकते हैं, इस तरह कोरिया भी हैं। ऑस्ट्रेलिया और बर्तानिया में इमिग्रेशन की नई पॉलिसियां अब एक हकीकत हैं, लेकिन जैसे हमने एक्सपर्ट से सुना, आपके सामने बहुत से मुतबादल हैं। आपको सिर्फ एक ओपन माइंड के साथ अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं।